सो भट्ट साहब जो है, मतलब आप सब जानते ही होंगे, बहुत ही मैजिकल आदमी है और काफी पागल है, बहुत ज्यादा एनर्जी है इनके अंदर। मैडम जी Honestly, I have to owe my entire
Sanam Ratansi. Without her, I am just in jeans and t-shirt. So thank you, Sanam. She puts in a lot of effort. वो समझती है और मैं उसको समझती हूँ बस. I think change is always great because कभी कभी change है ना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको ज़्यादा feel होता है. जैसे मैंने कभी bangs कटवा लिए, मुझे थोड़ा younger feel हुआ. आप कभी कोई hair style करो इससे आपको अलग feel होता है. आप एक येलो ड्रेस पहनो आपको ब्राइट फील होता है. सो आई फील लाइक changing your look can always be something to enhance your personality. Thank you. Bye. कैसे हो? बहुत दिन हो गए. 48 आवर्स. नहीं, जी क्यू मैं पिछले साल भी आई थी और पिछले से पिछले साल भी आती है. जी क्यू मैं कभी मिस नहीं करती. मैन ऑफ माई लाइफ. I have many criteria actually for man of my life. One of them being humor, and the second of it would be amazing if he is GQ man of the year. But is he here? No, ab tak to mujhe nahi dikha. Are you taken or mistaken? I am neither taken nor mistaken. I've been styled by Sanam Ratansi and I'm wearing Demi by Gabriella. It's black and I think that's perfect for GQ. So Bhatt sahab jo hai, matlab aap sab jante hi honge, bahut hi magical aadmi hai aur kafi pagal hai, bahut zyada energy hai inke andar. Matlab hame sharminda kar dete hain. Hum shoot pe jaate the 14 ghante ki shoot ke baad main ghar aake lam late phone uthaya, Alia Bhatt ka Insta story dekha, wahan Bhatt sahab jo hain Alia ki billi ke piche bhag rahe the. मैंने कहा ये वही आदमी है. क्या क्या करवाती है देखो. मैंने कहा ये अभी हम इनके साथ शूट करके, मेरी हालत नहीं थी, मेरी मम्मी मुझे खाना परोस रही थी किचन में और मैं एकदम से उठ के गई कि नहीं यार मुझे खुद खाना लेना चाहिए, उनके अंदर एनर्जी है तो मेरे अंदर क्यों नहीं है. तो मतलब कमाल का एक्सपीरियंस रहा, आई थिंक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बोलूँगी मैं ऐसे. उन्होंने लाइफ के बारे में सिखाया शब्दों से नहीं, थ्रू एक्शंस. आई थिंक वो ही प्रैक्टिसेस व्हाट ही प्रीचेस. वो सिर्फ प्रवचन नहीं देते, मैं उनको उनकी रियल लाइफ में देखती हूँ. सिर्फ कैमरा ऑन होता है तो वो ऐसे नहीं बन जाते बुद्ध की तरह, वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं. आप काम के भी नहीं रहोगे तो आपसे पूरी चर्चा करेंगे, आप कहाँ से हो, ये वो. अच्छा, दिल के दर्द तो सुना के जाओ. तो ही इज़ अ ट्रू पर्सन.